हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने एग्ज़ामा जो किया था वो लास्ट टाइम जनवरी में किया था, पर कुछ लोग हैं जो नए हैं उनको भी बताना पड़ता है ना। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ामा जनवरी में किया था, उसके बाद से मैं एग्ज़ामा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं अपने बालों को बड़े भी कर रहा हूँ, बीच बीच में कटिंग भी कराया है। तो अभी से मेरे बाल है वो अभी भी मैं कटिंग करा के आया हूँ, जो अभी भी आप मुझे देख रहे हो। और मेरे जो बाल फ़ोटो में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कटिंग से पहले का दिखा रहा हूँ, तो मेरे जो बाल आए हैं ना वो 40% के आसपास ही आए हैं। और मैं जब हिजामा कर रहा था ना तो मैं काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी उम्मीद लगा रखा था हिजामा से। मैं ये सोच रहा था कि मेरे बाल जो 100% आ जाएंगे, 40% तो आ चुके हैं, बाकी के जो बच्चे कुछ हैं वो भी आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और मैंने अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को, दोस्त यार को सबको बता रखा था, और वो लोग देखते भी थे। कुछ लोग आते जाते ना घर पे, और फैमिली वाले तो घर पे रहते ही हैं, उनके सामने तो हमारा उठना बैठना होता ही रहता है, उन लोगों को तो पता ही था। देख रहे थे वो लोग कि मैं हिजामा काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो वो लोग काफ़ी मना कर रहे थे मेरे को, इतना मत कर मर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काफ़ी लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। पर फिर भी मैं किसी भी बात को सुना ही नहीं, मतलब मैं किसी की नहीं सुना। मेरे को जो मैं हिजामा करता गया 10 सेशन पूरा कर लिया। और मैं सोच रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप लोग, जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था उस टाइम में भी आप लोगों ने मना किया था, आप लोगों ने बोला था कि कुछ हो जाएगा तुम्हें और तुम मत करो, इससे कुछ नहीं होता। पर मैं किया और मुझे फ़ायदा हुआ, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। देखता हूँ आ जाएगा तो अच्छी बात है। तो मैंने इस तरीके से कन्वेंस करने की कोशिश किया फैमिली वालों को, दोस्त यार को, पर कोई किसी की मानता कहाँ है। पर कोशिश करते रहे, बस उनको बोलने दिया, मैं करता गया। इस तरीके से मैंने 10 सेशन तो कंप्लीट कर लिए। पर हुआ क्या कि मुझे हिजामा करने के बाद बिल्कुल मायूस हो गया भाई, मतलब अपना तो लोगों को बता भी नहीं, लोगों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो कह रहे कि इतना टाइम बर्बाद किया, इतना ब्लड निकाला, और तेरे बाल जब उतने के उतने ही रह गए। थोड़े बहुत वैसे हुआ क्या था कि जब मैंने लास्ट टाइम एग्जामा किया था ना आज से करीब 2 साल पहले, तो उस टाइम में मेरे 3 सेशन करने के बाद 40% के आसपास रिजल्ट आ गया था। तो सब लोग बहुत खुश हो गए थे, उन लोगों को लगा था ये चीज़ मतलब अनबिलीवेबल ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद से मैंने नहीं किया। और अभी जब किया था तो बीच में मतलब काफ़ी गैप जो दे दिया था ना, 1.5 साल 2 साल का गैप दे दिया, तो उसके बाद मैं किया हूँ तो मेरे बाल कुछ चले गए, तो वो सारे रिकवर हो गए, और उससे एक्स्ट्रा मतलब 40% के आसपास, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला। पर अब चलो जो है वो तो है, पर मैं बुरा तो नहीं लग रहा हूँ, अच्छा ही दिख रहा हूँ। पर मैं सोच रखा हूँ क्या कि अगर मेरे बाल ऐसे ही रुक जाएंगे तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम होगा, ऐसे ही रुक जाए अच्छी बात है। अगर नहीं रुकेंगे, वैसे तो मैंने सोच रखा है कि जब भी हिजाम मेरे बाल ना हेयर फॉल होंगे ना शुरू, तो मैं ना हिजामा करूँगा और बाल को जाने से रोक लूँगा। इस तरीके से ना मैं अपने बाल को जाने ही नहीं दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो ना, अगर आपके बाल रिकवर हो रहे हैं तो रिकवर हो रहे हैं तो आप इसको हमेशा के लिए अपना लो। जब आपके बाल जाने शुरू हो जाए ना, आप करना शुरू कर दो, उसको जाने ही मत दो, जैसे जाए वापस बुला लो। तो इस तरीके से मेंटेन करके रखो। और एक चीज़ और, हिजामा हिजामा ही मत करना, इसके साथ ना डाइट पे ध्यान जरूर देना। मैं भी अपने डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं तो हिजामा जब बंद किया था ना, मतलब हिजामा जिस टाइम में कर रहा था उस टाइम में भी डाइट पे ध्यान दे रहा था, और अभी तो मैंने बंद कर दिया, अभी भी हिजामा डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ। तो डाइट को लेके डाइट को वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपको डाइट्स के बारे में जानना चाहते हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊँगा अपने डाइट के बारे में, डाइट में मैं क्या लेता हूँ और कैसे लेता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।